सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7। क्या कह रहा है कि द सरफेस एरिया पे सॉलिड मेटालिक स्फीयर, यहाँ पे सॉलिड मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं जिसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। यहाँ से पहले हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे ताकि हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि मेल्ट किया जा रहा है ना जी। तो सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, क्या करना है कि इसको मेल्ट करके क्या बना देना है, रिकास्ट कर देना है एक कोन को। तो चलिए इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग कोन बना लेते हैं। चलिए तो ये आपका कोन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये आपका कोन हो गया। इस कोन का हमें डायमीटर निकालना है, जबकि यहाँ पर इसका हाइट दिया है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना है तो हम लोग इसमें रेडियस को सपोज कर लेते हैं कि वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसका हाइट दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू में आर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू में हम लोग 2R लिख लेंगे, है ना जी। चलिए अब इसके बाद इसका हाइट दिया है, हाइट ऑफ द कोन क्या दिया है जी, हाइट वह है 28 सेंटीमीटर। और इसके रेडियस को हम लोग देखते हैं, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, ठीक है। चलिए तो ये आर इसका रेडियस है, तो हमारे पास क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है जी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए 4 इंटू पाई की जगह 22/7 कहीं रहा, इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से देखिए अब आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 616 इंटू में 7 और बाई में 4 इंटू में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 616 कट जाएगा आपके कितना से जी, 22 से। कितना बार में कट जाएगा, 28 टाइम्स में, और 4 से इसको काट सकते हैं 7 टाइम्स में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनकी रेडियस आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी इसको कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है, तो इसको कैपिटल आर आप लोग कर लेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, इसको ध्यान देंगे। हम लोग कैपिटल आर से डिनोट किया है ना ऊपर इसके रेडियस को, देख लो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर से पूछ किया, इसलिए कैपिटल आर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका रेडियस आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास लिख सकते हैं जब स्फीयर को मेल्ट करके ही ये कोन बना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्मॉल में ही है, इसके लिए 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यार पाई और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर स्मॉल आर तो नहीं पता है, एच इसका पता है कि 28 सेंटीमीटर दिया गया है, 28 सेंटीमीटर है, देख लीजिए। अच्छा इधर देखिए आपका 4 इंटू में आर क्यूब, यानी कि 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू में 7 इंटू में 7 बाई में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हो जाएगा, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में और 4 से 4 कट गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये भी रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। कौन का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, तो इसके डायमीटर ऑफ द बेस निकालना है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, यानी कि 2 इंटू में 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए सिलेंड्रिकल बकेट।